आज ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है, ये हॉस्पिटल में जो इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, एक भी डॉक्टर हॉस्पिटल के टाइम पे नहीं आता है। 9 से 10 बजे का टाइम इनका रहता है। गरीबों के साथ सबसे बड़ा अन्याय यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। दवाई अंदर होते हुए भी बाहर पर्ची लिखी जा रही है खुद की निजी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ की पब्लिक ये कह रही है कि आपका सांसद बीजेपी का है, धर्मनारायण जी बीजेपी के हैं, नगरपालिका में बीजेपी का राज है, तो इसके बाद ये क्या है, ये पूछना चाह रही है आपसे। वो राज की बात अलग है, लेकिन डॉक्टरों का तो कर्तव्य जनता के प्रति है कि नहीं, उनको तो उनकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर जनता ये पूछ रही है आपसे, जो स्टाफ है वो तो पूरा समय पे आना चाहिए, उनका कर्तव्य। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के पार्षद ये विरोध कर रहे हैं। जनता का प्रदर्शन है, इसको आप राजनीति से न जोड़े, ये जनता के लिए जनता का प्रदर्शन है और जनता के लिए हमेशा हर आदमी तैयार है। ये इसमें कोई राजनीति नहीं है, न बीजेपी और ये सुविधा नहीं है पूरी, कई सुविधा नहीं है, कई कई नहीं है, डॉक्टर आते नहीं है, 2 डॉक्टर ही है, 4 डॉक्टर होने चाहिए, जो सुविधाएं है वो नहीं होने चाहिए, जो सरकारी दवाइयाँ मिलती है वो दवाई नहीं मिल पा रही है यहाँ पे, और डॉक्टर भी टाइम से आते हैं। क्या कारण है? 8 बजे का टाइम है और 9:30 बजे। मुकेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कारण है कि आज दिन तक इसमें सुविधा नहीं हुई है, कितने साल हो गए? डॉक्टरों की वजह से, ये घर पे ले जाके दुकान घर पे चला रहे हैं, दवाइयाँ हॉस्पिटल की दवाइयाँ घर पे यूज कर रहे हैं। मुकेश जी, मैं ये सुबह 8 बजे का टाइम। मुकेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका सांसद आपका है, बिल्कुल है, विधायक आपका है, बिल्कुल है, नगर पालिका में सरकार आपकी है, बिल्कुल है, तो फिर ये स्थिति क्यों? ये जनप्रतिनिधि देख रहे नहीं है बराबर इनकी, क्या इस तरीके से पब्लिक इकट्ठी करके ये काम हो जाएगा आपका? बिल्कुल होगा, अब आ रहे हैं सब, जनता का काम जनता ही करेगी, सांसद क्या करेगा इसमें? तो इतने दिन क्या हो गया कि ये आज ही, मतलब अब ये व्यवस्था कम से कम 2-3 साल से ऐसा हो रही थी, क्या आज आपको आज दिखी है आपको? बिल्कुल लचर हो गई व्यवस्था, पानी सर से ऊपर चला गया, कितने मोते हो गई, रात को एक बच्चा नहीं मिलता है यहाँ पे। ये जो हम बता रहे हैं कि स्टाफ की कमी है यहाँ, चिकित्सक की निश्चित रूप से कमी रह रही है। हम पिछले समय काफ़ी समय से 2 चिकित्सक यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी पिछले 10 दिन से भाटी साहब की आँख का ऑपरेशन कराया, इसलिए वो नहीं है और अकेला हूँ मैं यहाँ पर अभी। और मतलब स्टाफ की कमी तो है सर? स्टाफ की कमी निश्चित रूप से है। अच्छा, ये जो अभी इस तरीके से कर रहे हैं ये लोग, जाम वगैरह लगा रहे हैं, ये सही है? जिसकी सेवाएं नहीं पाती है, काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लग जाती है। अच्छा, पेशेंट्स काफ़ी होते हैं तो दिन में भी रहते हैं, रात को भी रहते हैं, किसी को अटेंड करने में कोई अनअटेंडेंट भी रह जाता है। तो सर क्या कारण है कि हॉस्पिटल स्टाफ अपना स्टाफ नहीं बढ़ा रहा है? यही हो, राज्य सरकार से आएंगे तो नीति वहाँ की है। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।